this is me, Lakshmi Bara, and you're watching Atu News 24/7. Today we are here at SC Continental Hotel Itanagar on book launching ceremony, which is hosted by Punctu Welfare Society. And the title of the book is Flashback Fantasy, which is consisted of 7 chapters. And the author of the book is Punctu Log Lopung. This is our program. So it's a massive happy and proud moment for, especially for Punctu Welfare Society. ये हम लोग के लिए एक proud moment और हम लोग के लिए history भी है. लोग भाई को हम encouragement भी दे रहे हैं. आप इसको आगे बढ़िए, इसको अपनाइए और ये दुनिया में आप चलाइए. क्योंकि आप एक किताब अभी लिखा है, एक दिन वन डे इज इमॉर्टल. आप मर भी जाएगा लेकिन आपका नाम कभी नहीं मरेगा. एक सक्सेसफुली ऑथर वन बुक एंड इट इज रियली रियली फील प्राउड माय ब्रदर एंड वी आर आल्सो लकी टू हैव one of the most distinguished figure of Arunachal Literary Society, who has not only authored many books but also drive the entire Arunachal Society in the field of literary activities. And so we really thankful to you. Sir, aaj hame Punctu Society jo hai aapka upar mein आपका अंडर में हम लोग देने वाला है. तो मैं विश्वास करता हूं मेरा भाई और नाम आगे रोशन हो जाए. ये भाई को भी हम लोग ये ब्लेसिंग देना चाहूंगा और Punctu सोसाइटी हमेशा हमेशा के लिए भाई आपका दुख तकलीफ को हम साथ में हैं. आप चिंता करने का जरूरी नहीं है. आज अभी आपने अपना मन से आपने बताया किताब बनाने की, किताब तो लिख चुका था, मेरा फाइनेंशियल का कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैं क्या करूं. अभी और दोबारा आपका ऐसा नहीं होगा, हम आपका साथ में. एक्चुअली इवन टैलेंट सबका अंडर होता है, हम लोग कोशिश नहीं करता है, शायद इसीलिए वो रह जाते हैं. अगर कोशिश करेगा अंदर में वो अगर प्रतिभा होता है तो जरूर उभर जाएगा. वो भी बुक लिखने के लिए सच में बोल रहे हैं. तो हम लोग अरुणाचल में ट्राइबल सिस्टम में क्या होता है, शादी होने से नहीं तो पार्टी होने से आते पूरा फैमिली. तो अभी किताब के लिए आए तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस एज अरुणाचली. उनका जैसे मैंने भी शॉर्ट स्टोरीज लिखा करता था, कविता नहीं लिखता था, हमको शॉर्ट स्टोरीज लिखता था. तो आज उन्होंने जो शॉर्ट स्टोरीज लिखा है मेरा ही कदम पर चल रहा है. शॉर्ट स्टोरी लिखने वाला अरुणाचल में काफ़ी कम है, कमती है. अभी इस साल से देख रहा हूँ कि एक दो आदमी ने, एक दो राइटर ने लिखना शुरू किया है. हम लोगों का ये देखिए ममंग राय मैडम बहुत बड़ा राइटर है, पोइट है, नॉवेलिस्ट है, मगर उन्होंने भी शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिखा है. दुमेर राय ने 4-5 तो शॉर्ट स्टोरीज लिख के छोड़ दिए. शॉर्ट स्टोरीज लिखने वाला मैं अकेले था. अभी मुझे इस साल से कुछ कुछ साथी मिलना शुरू हो गया है और अच्छा शॉर्ट स्टोरीज लिख रहा है. सर आप काफ़ी एवर्डी भी हैं तो आपका तरफ से लोग को क्या सजेशन दे रहे? मैंने सजेशन वही है, पढ़ो, ठीक से पढ़ो और ऑब्जर्व करो, छोटा छोटा चीज़ को ऑब्जर्व करो. शॉर्ट स्टोरी एक छोटा सा खतना को लेके, एक छोटा सा बात को लेकर भी जब कविता लिख सकता है शॉर्ट स्टोरीज भी लिख सकता है. सर आपको किस प्रकार से अनुभवी आपको किस प्रकार से महसूस हो रहा है? बिकॉज आपका वन ऑफ योर यंगर ब्रदर्स हैज रिटन अ बुक एंड सिंस आपने अपने बयान में भी मेंशन करी है कि पहला आपका सोसाइटी से वो पहला रहेगा जो राइटर जो लिखा है बुक को लेके. एंड हर एक क्षेत्र में सब अपने अपने काम कर रहे हैं, हर डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में, लेकिन बुक के लिखने लिटरेसी के
क्षेत्र में ये पहला व्यक्ति है जो आपकी सोसाइटी से है, सो आपको सर किस प्रकार का आपको गर्व महसूस कर रहा है वो सब आप बताइए, और आप किस प्रकार का इंकरेजमेंट देना चाहेगा और आपको सोसाइटी को? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट थैंक्स टू द मीडिया फ्रेंड्स थ्रू विच वी आर रीचिंग आउट दिस प्रोग्राम टू द आउटसाइड वर्ल्ड। रहा ये बुक रिलीज के बाद, वी आर ऑल्सो वेरी grateful to the Arunachal Pradesh Literary Society under the leadership of Dr. Vaidhi Tongchi, who is also with us to encourage the program and the encourage the venture of Mr. Loglapung. Raha hamara samaj ka baat, Pungte Welfare Society ek bahut bada samaj hai, ye ek jankar wala samaj hai hamara interbombing area mein, और पुंगते वेलफेयर सोसाइटी का ओर से हमने कई फील्ड में पॉलिटिक्स हो, समाज सेवा हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चरल हो, इस चीज़ में पहुंचता हमारा कई भाई लोग जो है कोई इंटरनेशनल लेवल में भी स्पोर्ट्स ईरानी में रिप्रेजेंट करता है, बट एक फील्ड रह गया था जो ये लिटरेरी फील्ड जो है, तो उसको मेरा एक भाई ने आज साबित किया कि पुंगते वेलफेयर सोसाइटी ओर से एक सोचा समझा एक जीता जागता एक लेखक भी बन सकता है। एंड लोगलपुंग का ये जो किताब है उसका लिखने का क्षमता जो है ये सिर्फ पुंगते वेलफेयर सोसाइटी के लिए नहीं है, हमारा समाज में उस प्रकार का लोग को किताब लिखने तक पहुंचाने का अपना आप से मेहनत करके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ही हिमसेल्फ इज़ द ऑर्फेन, पिताजी गुजर चुका था, कई मेहनत से पढ़ा, काफ़ी तकलीफ़ हुआ अपना आप को संभालने में, और उसका बैकग्राउंड भी गवर्नमेंट स्कूल से रहा, वहाँ से पढ़ करके एक अपना उस लेवल में पहुँच के किताब लिखने का एक अपना आप को एक काबिल समझा, और ये आज उस पीढ़ियों को ये एक इंस्पिरेशन है कि चाहे जितना भी तकलीफ़ हो अगर चाहेगा तो आप सब कुछ कर सकता है, जिस तरीका से आज मेरा भाई लोगलपुंग ने अपना आप को साबित किया। एंड एज ए मेंबर ऑफ द पुंगते वेलफेयर सोसाइटी और हम सभी पुंगते का फैमिली, हम उसे बहुत खुश है, एंड वी रियली फील प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू। देखिए, फ्लैशबैक फैंटेसी ये बुक जो ऐसा है कि ये इंस्पायर्ड है मेरा जो पर्सनल जो पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उससे इंस्पायर्ड है, तो इंस्पायर्ड है तो ये नहीं कि मतलब ट्रूली बेस्ड है, ऐसा नहीं है, इंस्पायर्ड होके उसको थोड़ा हम खुद से अपना आपसे थोड़ा इमेजिनेशन के साथ उसको मिक्स करते हुए वो स्टोरी को थोड़ा नया रूप दिया, तो इस तरह से ये जो थोड़ा इमेजिनेटिव एलिमेंट्स है यहाँ पर, प्लस यहाँ पे मेरा पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है, तो उसको मिक्स करते हुए ये स्टोरीज़ को मैंने क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पर बस एक स्टोरी है, एक चैप्टर यहाँ पर है जिसमें वो चैप्टर का नाम जो टाइटल है वो है इट हैपेंड टू मी, तो वो स्टोरी जो है वो रियल में मेरे साथ हैपेंड हुआ है, तो वो स्टोरी उसको आप बोल सकता है कि वो मेरा फ्लैशबैक है, ट्रूली फ्लैशबैक है, बाकी जो है कि मिक्स है फ्लैशबैक के साथ फैंटेसी, कुछ इमेजिनेटिव एलिमेंट्स कुछ मिक्सअप है ताकि स्टोरीज़ को और अच्छा बना सके ना, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप कुछ चीज़ को जब सस्पेंस रखते हैं ना तभी इंसान आप वो चीज़ को देखना चाहेगा, तो हम इतना ही बोलेंगे कि एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी तक जितना भी हम मेरा कोई फ्रेंड्स को किसी भी जानने वाला दोस्त किस दोस्त को या तो एल्डर्स को हम जब भी ये मेरा बुक को हम दिया जस्ट टू मतलब रेक्टिफाई द थिंग्स, तो वो लोग जब भी पढ़ के ये बोला कि ठीक है अच्छा लगा ना, और बहुत सस्पेंसफुल था, मिस्ट्री था, समथिंग और अच्छा लगा पढ़ के, ऐसा लगा कि हम खुद अपना बचपन में वापस चला गया ना, तो इसलिए हम बोल के देखिए आप लोग से वही रिक्वेस्ट करेगा कि ट्राई कीजिए, ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, अमेजोन में है, फ्लिपकार्ट में है, मीशो में है, तो इन और इसके बाद गूगल प्ले में भी अब ये डिजिटल में भी आ गया ना, ये डिजिटल बुक भी आ गया ई बुक, तो उसको भी अब वो वहाँ से परचेस करके आप डिजिटली अब उसको रीड कर सकते हैं, तो ये
तो मेरा तरफ से वही रिक्वेस्ट है, आप लोग ट्राई कीजिए, मुझसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा मत उगलवाओ ना, आप लोग खुद से पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा क्वेश्चन आंसर रहेगा, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बिग कंग्रेचुलेशन फॉर द बींग द फर्स्ट राइटर फ्रॉम योर सोसाइटी। थैंक यू। एज योर एल्डर ब्रदर्स ऑफ योर सोसाइटी हैव मेंशन दिस इन देयर स्पीचेस, लाइक व्हाट वुड यू गिव लाइक एडवाइस यू वुड यू लाइक टू गिव टू द rising who is writer na rising writer of this society especially in Sepa Iskan district? अच्छा, तो आपका दो सवाल है। पहला क्वेश्चन है कि किस तरह कैसे इंस्पायर्ड हुआ, किस तरह से लिखा है। देखो, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर मेरा वही है कि जो भी इंस्पायर्ड है वो जो मेरा पर्सनली जो पास पर्सनल एक्सपीरियंसेस था और खुद का जो इमेजिनेटिव जो मेरा जो माइंड है हमेशा इमेजिनेशन पे चलते रहता है, तो उसको मिलाकर हम ये लिखा था। और जो आप जो बोल रहे हैं कि इट्स नॉट ए पीस ऑफ केक, यस आई नो दैट, लेकिन ऐसा है मेरा ये मानना है ना कि एवरीवन कैन बी ए राइटर। इट इज़ नॉट ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको लिखना आना ही चाहिए। इफ़ यू कैन एक्सप्रेस योर थाट्स देन यू कैन बी ए राइटर। आई मीन इट्स नॉट लाइक आपको लिखना ही है, आप किसी को भी बैठा सकते हैं लिखाने के लिए, लिखने के लिए आपको कोई भी लिख सकता है, लेकिन आपको जानना होगा एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आप एक्सप्रेस कर पाते अपना थॉट्स को तो आप राइटर बन सकते हैं। और बाकी तो वो तो आई मीन जो एडिटिंग वगैरह जो होता है वो तो अलग किसी से भी आप करवा सकते हैं, तो इतना वो कोई बड़ा बात नहीं है राइटर बनने के लिए। और दूसरा बात जो है जो इस कमिंग को लेकर है, हम लोग का जो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पूरा अरुणाचल को अगर हम एज ए होल अगर देखा जाए तो ना, हम लोग का जो क्या रीडिंग जो बहुत ही कम है, हम रीड बहुत ही कम करते हैं। अगर हम रीड करता भी है तो उसी चीज़ का ऊपर रीड करता है जिससे हमको नौकरी मिलेगा, जिससे हम जॉब के लिए दौरबा कर सकते हैं, उसी चीज़ के ऊपर ही सब रीड करते हैं। बाकी आप उसके आउट ऑफ बॉक्स आप कभी ट्राई नहीं करते। तो इसका वजह से हम लोग का वहाँ पे सिर्फ इस कमिंग में नहीं, ऑल अरुणाचल में इसका जो प्रॉब्लम है रीडिंग एंड राइटिंग का। तो अगर आप रीडिंग का जो हॉबी अगर आप अपने अंदर में क्रिएट करेगा ना, तब हम मेरा ये मानना है कि आप राइटिंग में भी धीरे धीरे ग्रेजुअली आप आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला ज़रूरी है पहले रीडिंग करो, रीड करो, उसके बाद रीड करते करते एक दिन आपको सच में लगे कि हमको भी लिखना है तो एक दिन आप भी लिखेगा। और जब लिख रहा होगा तो जिस तरह से अभी मेरा पुंगते वेलफेयर सोसाइटी हमको जिस तरह से रिकॉग्निशन देने में या हमें जो हेल्प किया सपोर्ट दिया, तो उस तरह से शायद आपको भी कोई ना कोई मिल जाएगा। क्योंकि कहता है ना कि जो भी कुछ भी आपको करना है तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप रखो, सेकंड स्टेप अपने आप हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एटलीस्ट सर गिव थ्री टेक्टिक्स की स्ट्रेटजी दैट हाउ टू बी अ गुड राइटर। इवन आई कांट से कि हम भी एक गुड राइटर है ना, तो हम खुद अगर अपना आपको हम क्रेडिट नहीं दे पा रहे तो हम दूसरा को कैसे बोले कि यू कैन बी ए गुड राइटर इफ़ यू मतलब फॉलो दिस टेक्टिक्स। तो हम बस इतना ही बोलेगा कि सबसे पहला तो खुद को पहचानो ना, आपको सबसे पहला कि आप कौन है, उसके बाद उसके ऊपर काम करो। उसके बाद अगर आप जब उसमें ही स्टिक रहेगा उसी चीज़ में, तो एक ना एक दिन उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा, शायद वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे आप हार नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू। The book Flashback Fantasy has been launched by one of the renowned personalities of the state, Dr. Dorji Tongchi, the president of Arunachal Pradesh Literary Society, and he has also been the former IS officer and one of the most prestigious awardee of Sahitya Academy. So guys, this is really a good news for all the book readers out there, especially to the bibliophile. This book is available all across the online shopping platform. Just go and check it out there. Stay tuned with Atu News 24/7 for more information. This is me, Lakshmi Bara, with camera person Dora Tut. Thank you very much.